पहला फॉर्मूला, एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू एच न्यू, या क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो प्लीज़ अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लें जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो ये लिखें कि लेट अस सपोज कैपिटल ई इज टोटल पावर, टोटल पावर ऑफ ऑल फोटोन्स, सारे फोटोन्स की टोटल पावर पी है, कैपिटल ई इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कैपिटल पी का मतलब टोटल पावर ऑफ ऑल फोटोन, कैपिटल ई का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन ओनली। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो इंसिडेंट होंगे उसका फॉर्मूला पी बाई ई, पी बाई ई। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, कैपिटल पी का मतलब क्या है? टोटल पावर ऑफ, इसको एन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो टोटल पी का मतलब क्या है? टोटल पावर ऑफ ऑल फोटोन। बोलो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? ई, और इनटू टोटल पावर में क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटोन से क्या करना पड़ेगा? इसे मुझे मल्टीप्लाई। तो पावर क्या होता है? टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पावर की जगह क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन बाय टाइम डिवाइडेड बाय ई का मतलब ई, ई से ई क्या हो गया? कैंसिल। तो सही है ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला आ गया। तो बहुत सही शॉर्टकट है, पी को ई से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ फोटोन आएंगे पर सेकेंड भी जरूरी है बोलना, नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला, इसे नोट करें। ठीक है यहां तक? करें स्टार्ट। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या है? एच सी बाय लैम्डा क्या? एच न्यू। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड फॉर्मूला मैंने बता दिया। नंबर ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन हमने कर लिया एच बाई लैम्डा। इक्वलेंट मास ऑफ द फोटोन, ये देख लो इधर, मास ऑफ द फोटोन में क्या किया? पी के, पी के मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज एच न्यू बाय सी। इस मास को निकालना है, सी को इधर ले जाएं तो मास की वैल्यू क्या आ गई? एच न्यू बाय सी स्क्वायर। ठीक, वर्क फंक्शन क्या है? एच न्यू नॉट एच सी बाई लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन करके आप लैम्डा की फॉर्म में सी बाई लैम्डा नॉट भी पुट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया या पावर बाई एरिया। क्वेश्चन नंबर वन, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेंगे? तुम्हें एनर्जी पता है 66.3, तुम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके जूल में निकाल लो। फ्रीक्वेंसी ई क्या होता है? एच न्यू। तो यहाँ से न्यू से डिवाइड करके, सॉरी ई एच से डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ई से एच न्यू से आंसर आएगा। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम, समझो आपको क्या गिवन है? लैम्डा, और ये फोटोन की बनी हुई है। व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या करे फॉर्मूला? एच सी बाय लैम्डा। पर प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी जूल में आएगी, इसको डिवाइड करना है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19, तो आंसर ऑटोमेटिकली किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पर? तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी एच सी बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये मुझे क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी।
द पावर एमिटेड इज, तो मुझे क्या गिवन है पावर, देखो जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एक फोटोन की क्या आ जाएगी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, और तुम्हें टोटल पावर गिवन है व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो एक आंसर तो आ ही गया इज इक्वल टू एच न्यू, पर क्या होगा यहां पर इज इक्वल टू एच न्यू से आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है इफ एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, बी पार्ट में पूछ रहा है कितने फोटोन पर सेकेंड गिर रहे हैं, तो सीधा यहां देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया, टोटल पावर को एनर्जी ऑफ एक फोटोन से डिवाइड कर लें, टोटल पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आपने इज इक्वल टू एच न्यू से निकाल दिया, और मैंने आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली करवा रखा है, ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है, टोटल पावर को एनर्जी से ऑफ ईच फोटोन से डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो आइडेंटिफाई करते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो लैम्डा नैनोमीटर में गिवन है, तो समझो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से आपके पास क्या आ गया एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ गई। फिर कह रहा है हैज अ पावर ऑफ 66 वॉट की पावर आ गई, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स इन 2 मिनट, बस तुम मुझे ये बताओ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया पी बाई ई, पी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ गए, पर हमने तो 120 सेकेंड 2 सेकेंड में निकालने हैं, इसको 2 सेकेंड 2 मिनट का मतलब 2 × 60 सेकेंड में मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए, तो 1 सेकेंड के फोटोन्स हमें पता है तो 120 सेकेंड के फोटोन्स मल्टीप्लाई करके आंसर है, क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यू आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ लाइट बल्ब इज रेडिएटेड एज अ विजिबल लाइट, कह रहे जी जो बल्ब है उसका 5% ही विजिबल रेडिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है, बल्ब की पावर 100 वॉट है, ऐसे बल्ब का क्या करें, यूजफुल पावर कितनी है 100 वॉट का क्या करना पड़ेगा 5% लेना पड़ेगा, तो कितनी यूजफुल पावर है सिर्फ 5 वॉट है, तो 5 वॉट की यूजफुल पावर है जिसे फोटोन्स निकलेंगे, बाकी तो फोटोन निकलेंगे ही नहीं लाइट के। अब वो क्या कह रहा है वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन पता है, तो समझो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकल जाएगी, ये क्या निकालना है हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटोन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं पर सेकेंड, अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन निकालने का तरीका क्या है पी को ई से डिवाइड कर दो, पी तो यहां पर पुट करो सिर्फ 5 वॉट, और एनर्जी एक फोटोन की पता है आपको 3.5 × 10⁻¹⁹, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे पर सेकंड, क्लियर है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्रॉम सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट अ रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये इंटेंसिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो ये आपको इतनी एनर्जी मिल रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर, तो ये एवरेज वेवलेंथ गिवन है, तो आपको वेवलेंथ पता है तो आपको एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पता लग गई, ये री अब प्रॉब्लम क्या है जब तुम एच सी बाय लैम्डा यूज करते हो तुम्हारी एनर्जी किस में आती है जूल में,
और ये तुम्हें क्या गिवन है, रेट ऑफ एनर्जी कितनी है, 2 कैलोरी में। तो एक काम करो, इसको चेंज करो जूल में, 2 को 4.2 से मल्टीप्लाई करके 8.4 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट कर लो, यूनिट एनर्जी के सेम हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, कितने फोटोन्स आ रहे हैं अर्थ के ऊपर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में। तो तुम एक काम करो, ये टोटल आपके पास क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी को देखो, टोटल एनर्जी में पावर भी है क्योंकि जूल पर मिनट पावर है, तो बेसिकली ये एक तरीके की पावर ही है, पावर पर यूनिट एरिया है। इस पावर को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आप 8.4 को अगर 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से डिवाइड करोगे तो जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स के यूनिट्स क्या बचेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट। और वो भी यही कह रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल लो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, तो कोई यूनिट ना छेड़ना टोटल पावर को या इंटेंसिटी को, टोटल पावर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जूल पर मिनट पावर है, पावर पॉन एरिया को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे पर मिनट। ठीक, यूनिट्स को ना छेड़ना, एज इट इज आंसर आएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज गिवन। अब तुम्हें वर्क फंक्शन गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू, तो न्यू नॉट क्या होगा, वर्क फंक्शन बाय एच, आंसर। क्लियर है यहां तक, तो वर्क फंक्शन में एच से क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वर्क फंक्शन की वैल्यू तुम्हें फिर से गिवन है, डब्ल्यू नॉट गिवन है, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डब्ल्यू नॉट बाई एच। तुम्हारा आंसर किस में आएगा, तुम्हारा आंसर हर्ट्स में आ जाएगा, आंसर कुछ करना ही नहीं है। तो वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट क्या निकालना है, दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉड टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप ये देखो, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन है, तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, तुम्हें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ई वी नॉट। तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, एच पता है, सी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, लैम्डा निकाल लेना आंसर। कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, करना क्या है, कोई डाउट इसमें, क्योंकि वर्क फंक्शन तो गिवन ही है, वी नॉट भी गिवन ही है, तो यहां से लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है नाइन्थ, फॉलोइंग टेबल गिव्स दी वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू है ये सारी की सारी, ईच ऑफ दीज मेटल इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ पता है, तो आपको फोटोन की एनर्जी पता है, फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैमडा से कैलकुलेट करके जूल में आएगी, और इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो एक फोटोन की एनर्जी 4.16 है।
जब ये फर्स्ट मेटल पे गिरेगी तो आपकी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से बढ़ी है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन बढ़ा है और फोटो जो फोटोन है उसकी एनर्जी छोटी है, तो एमिशन नहीं होगा। पूछ रहे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी थ्रेश जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ी है और आपकी फोटोन की एनर्जी इससे छोटी है, इसलिए नहीं होगा, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है, तो ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है इंसिडेंट ऑन इट। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बात है, तो ये क्या गिवन है, वी नॉट है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, भाई जब तुम्हें लैम्डा पता है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एच सी बाय लैम्डा से। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, अब तुम्हें पता है कि मैक जो एनर्जी है वो एच सी बाई लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट कर लें, आपको इसमें वी नॉट पता है, ये भी पता है, ये भी और लैम्डा पता है, तो क्या आ गया वर्क फंक्शन आंसर। और जो भी आपका आंसर ये वी नॉट है, और मैंने आपको क्या करवाया था कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो ई वी नॉट के इक्वल होती है। अब तुम्हें वी नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 0.54 वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व मत करना, वेलोसिटी मत पूछना, ई वी नॉट ही एनर्जी है। ठीक, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पता है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन पता है, वर्क फंक्शन पता है, लैम्डा पता है, तो एक फोटोन की एनर्जी भी आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा, पर जूल में आएगी, इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देना, तब आपके पास क्या आ गया, एनर्जी ई की वैल्यू आ गई
आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ए पार्ट। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, अब तुम्हारे पास एक फोटोन की एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। अब तुमने ई तो निकाल ही लिया, तुम्हारे पास वर्क फंक्शन तो गिवन ही है, माइनस करके क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। अब जो भी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या होगा, ई टाइम्स वी नॉट। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकलेगा, ये इसमें एम क्या चल रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में भागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना है। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या इसमें रूल लगने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज गिवन, तो क्या गिवन है आपको, वर्क फंक्शन गिवन है, और आपको वेवलेंथ भी पता है, वेवलेंथ पता है तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब तुम्हें वेव वर्क फंक्शन पता है तो एच न्यू नॉट करके क्या आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन इज एच सी बाय लैम्डा नॉट करके क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपके मिस्ट्री में निकालते भी हैं न्यू नॉट और डब्ल्यू, ये तो वैल्यू आई जाएगी लैम्डा नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपकी जो एनर्जी है क्योंकि ये लैम्डा पता है, तो एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हें लैम्डा पता है, एच पता है, सी पता है, और तुम्हें इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन भी पता है, पर याद रखना जो एच सी बाय लैम्डा है उसको आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म किस में चल रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या दोनों के दोनों जूल में रखनी पड़ेंगी, तो माइनस करके क्या आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये टर्म भी आ गई। नेक्स्ट क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। जब तुम्हारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही आपने निकाल ली, तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करके मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गई। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी डबल्ड, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन भागता है वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका नंबर ऑफ फोटोन यानी कि इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी डबल करते जाओ कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है जिसमें कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये जो फ्रीक्वेंसी है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14, इससे पहले तो आपका इमिशन हुआ ही नहीं, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है।
क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड। एक आंसर क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? वर्क फंक्शन। ठीक है, यहां तक यहां से वर्क फंक्शन आएगा। नेक्स्ट, यूजिंग दी ग्राफ एज शोन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज इंसीडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन्स, कैलकुलेट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। आज हमने किया ना, किसका ग्राफ है? वी नॉट वर्सेज फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है। तुम एक काम करो, इस ट्राइंगल से क्या निकाल लोगे? इसकी स्लोप, टैन थीटा से स्लोप निकाल लेना। स्लोप क्या होता है? एच बाई ई। ई को स्लोप से मल्टीप्लाई करके प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आज रिजल्ट किया था उसके बेस पर ये क्वेश्चन है 14th 15th में। तो वो बोल रहा है कि दो मेटल्स हैं, इसकी थ्रेशोल्ड 6 इंटू 10 की पावर 14 है, इसकी थ्रेशोल्ड 3.5 इंटू 10 की पावर 14 है। कौन सा जो है किसका बड़ा थ्रेशोल्ड है? बी का, क्यू का बड़ा है। फाइंड दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच इज ग्रेटर वैल्यू। तो इसमें वर्क फंक्शन एच इंटू न्यू नॉट कर देना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इसकी जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है इस मेटल के लिए। तो क्योंकि तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसके लिए एच न्यू से एनर्जी भी आ गई। और एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये निकालना है, ये यहाँ से निकल आएगा एच न्यू नॉट से और ये आएगा एच इंटू न्यू से। आंसर तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बेसिक है। तो आप ग्राफ को देखते थ्रेशोल्ड निकाल लेना, आपका आंसर आएगा। इसे आप होमवर्क लिखें, होमवर्क लिखें, मतलब आप ये खुद ट्राई करें। अब आप एग्जांपल नंबर 18 देखें।
क्वेश्चन है बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस. तो मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ. आप दो केस लेना जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ई वी नॉट वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है. आप पहले मेटल वन के फर्स्ट केस लेना स्टॉपिंग पोटेंशियल वन है जब फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट है वो न्यू वन है और वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है. सेकेंड केस में क्या लेना वी टू लेना फ्रीक्वेंसी न्यू टू लेना सेकेंड इक्वेशन है. आप फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस ही निकालना है. डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन नहीं है. क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक है आप होमवर्क नोट करें ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ये आपने सारे अपने हाथ से ट्राई करने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं. एनसीईआरटी है बेसिक एकदम मस्ती होनी चाहिए और सारा काम एकदम फ्लो में होना चाहिए. ठीक है यहाँ तक.